शहीद आसाराम जगुड़ी के स्मारक स्थल के पास सड़क निर्माण के दौरान अधिकारियों ने स्मारक को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बावजूद परियोजना के अधिकारियों और न ही शासन प्रशासन ने मामले की सुध ली, बल्कि स्मारक को क्षतिग्रस्त हाल पर ही छोड़कर चले गए। इस दौरान मामले की जानकारी मिलने पर आईटीबीपी के अधिकारियों ने स्मारक का सौंदर्यीकरण कराया, जिसकी लोग चारों तरफ तारीफ कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों और शासन प्रशासन की लोग निंदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के बड़कोट में स्थित शहीद आशाराम जगुड़ी के स्मारक की दीवार ऑल वेदर परियोजना के तहत हुई। सड़क निर्माण के दौरान अधिकारियों की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। लापरवाह अधिकारी ने पहले स्मारक के सामने मिट्टी का ढेर लगाकर शहीद आशाराम जगुड़ी के स्मारक की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। वहीं सड़क निर्माण के बाद ताज्जुब की बात है कि परियोजना के अधिकारियों ने और न ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने स्मारक की सुध ली, बल्कि उसे उसके क्षतिग्रस्त हाल पर छोड़ दिया। शासन प्रशासन से भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस दौरान शहीद के पुत्र धनीराम जगुड़ी ने आईटीबीपी को पत्र लिखा। पत्र पहुंचते ही आईटीबीपी की 35वीं वाहिनी महीदंडा के प्रभारी सुनील कुमार ने उसकी तुरंत कार्रवाई की। 8 जवानों का एक सैन्य दल भेजकर दीवार की मरम्मत कराई, साथ ही स्मारक का सौंदर्यकरण भी करवाया गया। वहीं अब अधिकारियों और शासन प्रशासन के लोग निंदा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर क्षेत्रवासी सैन्य प्रभारी सुनील कुमार का आभार जता रहे हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ NH वालों का जो सड़क निर्माण यहाँ पे हुआ था, तो उस समय जो उन्होंने मिट्टी का ढेर स्मारक के सामने लगा दिया था और जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं स्मारक के बगल में खड़ी कर दी, जिससे जो दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए गर्व भी हो रहा है कि जो हमारे आईटीबीपी के जवान हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने जो है शहीद स्मारक को प्राथमिकता दी है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।